हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने वेब पेज ओपन किया है, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने DSSB में फार्मासिस्ट वैकेंसी का डिस्कशन किया था कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई 318 पोस्ट, और उसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था वो जो 13 फरवरी से स्टार्ट होने वाले थे वो 13 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। और वो फॉर्म आप कहां से अप्लाई करेंगे, बस वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले आप वेब पेज ओपन करेंगे dssb.delhi.gov.in, और करने के बाद ये वेब पेज आपका ओपन होगा। और इसको ओपन करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके जब आप आएंगे नीचे, तो नीचे आप देखेंगे कि आवर सर्विसेज में एक ऑप्शन आपको मिल रहा है OARS, और इस पे आपको क्लिक करना है। नीचे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, और इसके बाद आपका एक नया विंडो ओपन होगा, एक नया पेज। और यहां पे देखें, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें करंट वैकेंसी में सबसे पहले आपको मिल रहा है फार्मासिस्ट। यहां पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहीं से स्टार्ट करना है। और इसका डिटेल जो एडवर्टीजमेंट था वो भी मैंने डिस्कस किया था, वो आपको करंट वैकेंसी में मिल जाएगा। ये इसका डिटेल एप्लीकेशन था यहाँ पे। और अगर आप देखें तो यहाँ पे 1/4 यहाँ पे लिखा भी गया है, 1/4 अगर आप देखें तो ये 1/4, और जो वैकेंसी आपको दिख रही है वो वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है 318। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैंने कहा था, इसमें लिखा भी गया है कि जो एलिजिबिलिटी है वो बी फॉर्म है, यानी जो बैचलर इन फार्मेसी में किया है और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनके लिए पोस्ट है, और डी फार्मा के लिए पोस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी बी फार्मा दिया है। अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी डिप्लोमा देता तो डी और बी दोनों एप्लीकेबल होते, लेकिन मिनिमम यहाँ पे बैचलर ऑफ फार्मेसी लिखा ही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू साइन इन एंड फॉरगेट पासवर्ड। तो सबसे पहला आपको काम करना है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपका नया सिस्टम है, नया एप्लीकेशन करेंगे। और जब इसको करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन ORS पोर्टल, और इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, और वो इंस्ट्रक्शन आपको क्लियरली पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको देखें तो यहाँ पे सारे रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको मिल रहा है कि नेम ऑफ एप्लीकेंट है, और फिर आपको अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ दोबारा लिखना है, और आपको हाई स्कूल का रोल नंबर देना है। इस तरह से आप ओटीपी, आपको मोबाइल नंबर ओटीपी देना, और इस तरह से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन अंडरटेकिंग करने के बाद फिर आपको फर्दर इसी सिस्टम पे आने के बाद लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद अपने फॉर्म को फिलअप करना है। अगर फॉर्म को फिल करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन के बाद, फिर क्लिक टू साइन इन, यानी आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, वहां से फिर आप इसको कर सके। जैसे क्लिक साइन इन करेंगे तो यहां पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, पासिंग ईयर, पासवर्ड ये सब डालेंगे, तो फिर आपका रजिस्टर्ड यूजर साइन इन होगा, और फिर आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करते समय अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरीज आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर इसी तरह से कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।